जीवन अमूल्य है, जीवन से संबंधित सभी चीजों का मूल्य है। ऑक्सीजन भी पैसे से मिल जाती है, पानी भी पैसे से मिल जाता है, लेकिन जीवन पैसे से नहीं मिलता है। तो जीवन कैसे मिलता है? जीवन शुल्क से नहीं मिलता है, जीवन संस्कार से मिलता है। संस्कार जितने ही उत्तम होंगे, मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। संस्कार संगत से बनते हैं, अध्ययन से बनते हैं। संस्कार सत्संग से बनते हैं, संस्कार परिवार से भी मिलते हैं, स्कूल से भी मिलते हैं, हॉस्पिटल से भी मिलते हैं। जहां जहां मनुष्य जाता है, जिनके जिनके बीच में रहता है, वहां वहां से संस्कार अर्जित करता है। संस्कार के अनुसार लोग अपना अपना संसार बसाते हैं। इसलिए एक ही घर में रहने वाले 10 सदस्य अलग अलग ढंग की सोच के होते हैं, बिलक बिलक स्वभाव के होते हैं, पृथक पृथक विचारों के होते हैं। जिसका जैसा संस्कार है, उस तरह से वह व्यक्ति क्रियाकलाप करता है। संस्कारों को परिवर्तन भी किया जा सकता है, संस्कारों को सुधारा जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, संस्कार बिगाड़े भी जा सकते हैं और संस्कार नए भी बनाए जा सकते हैं और पुराने संस्कार मिटाए भी जा सकते हैं। और सारी जिंदगी हमारे देश के विद्वान पंडितों ने कहा है, जब गर्भ में जीव आता है तो गर्भ संस्कार प्रारंभ हो जाता है, फिर जन्म होता है तो जन्म संस्कार, फिर बच्चा हो गया तो बाल संस्कार, फिर धीरे धीरे युवा संस्कार, फिर जनेऊ संस्कार, और फिर विवाह संस्कार, और लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार होता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे दफन क्रिया होती है, दफन करते हैं, जिसमें शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है या कि मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, उसे दफन संस्कार कहते हैं। वो अंत्येष्टि संस्कार है। उसके बाद फिर इस जिंदगी का कोई संस्कार शेष नहीं बचता है, सब संस्कार वहाँ समाप्त हो गए जाकर। लेकिन फिर भी जीव जब शरीर छोड़ता है, शरीर का त्याग करता है, इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, जीव की मृत्यु नहीं होती है। शरीर के तत्व जीव का संबंध छूटने से निष्क्रिय होने लग जाते हैं, शरीर सक्रियता को समाप्त कर देता है और शरीर मृतक हो जाता है, शरीर लाश हो जाता है और इस मुर्दे को दफन कर दिया जाता है। फिर भी कुछ शेष बचता है, शरीर जलने के बाद भी कुछ बचता है। क्या बचता है? एक तो मुट्ठी भर राख बचती है, हड्डियों के फूल बच जाते हैं, जिनको लोग गया में, प्रयाग में, गंगा सागर में प्रवाहित कर देते हैं। इसलिए प्रवाहित कर देते हैं कि हमारे माता पिता की हड्डियों के फूल गंगा सागर में प्रवाहित कर देंगे तो वे तर जाएंगे। तरने के लिए वहां ले जाते हैं, मरने के लिए यहां और तरने के लिए वहां, और सब कुछ करने के लिए न जाने कहां। तो अब हड्डियां और उनकी राख और फूल गंगा सागर में डाल दिया, कोई बुरा नहीं है, डाल दो तुम,
लेकिन वास्तव में जो सच्ची गंगा है वो सत्संग की गंगा है। और जिसने अपनी जीवित हड्डियों को अर्थात जीते जी सत्संग की गंगा में अपने को प्रवाहित कर लिया, स्नान कर लिया, निमज्जन कर लिया, वो जीते जी तरना शुरू कर देता है, तरने लग जाता है। मरता तो बात को है, तरता जिंदगी भी है। कबीर साहब कहते भी हैं, जियत न तरियो मुए का तरीहो, जियत ही जो न तरे। साहब कहते हैं जीते जी अगर नहीं तुम तरे तो मरने के बाद क्या तरोगे, इसलिए जीते जी तरो, तो तरना किससे है? मोह से तरना है, लोभ से तरना है, क्रोध से तरना है, अहंकार से तरना है, काम वासना से तरना है, राग द्वेष से तरना है, बुरी आदतों से तरना है। जहां जहां तुम जकड़े हो, जिन जिन आदतों को पकड़े हो, उनसे तुम्हें तरना है। और जीते जी तर सकते हो। मरने के बाद तरने वाला आत्मा तो शरीर छोड़कर जा चुका है, अभी शरीर की हड्डियों को आप ले जाकर के यदि डालते हैं गंगा सागर में, उससे एक फायदा होता है। मैं गया में गया हूँ, ये गया बिहार में एक जिला है औरंगाबाद के पास में। गया में महात्मा बुद्ध ने लास्ट में शरीर का त्याग किया था और वहाँ पर बोधि वृक्ष है। कहते हैं गया में महात्मा बुद्ध को बोध हुआ था, एक वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान हुआ था, आत्मज्ञान। आज उस वृक्ष की भी पूजा होती है। देखिए महान पुरुष जहाँ निवास करते हैं वो स्थान भी पूजनीय हो जाता है, और महान पुरुष जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं वो वस्तु भी दर्शनीय हो जाती है, पूजनीय हो जाती है। और महान पुरुष जिस व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद बरसा देते हैं उसकी जिंदगी धन्य हो जाती है। जैसे भगवान श्री राम कामतगिरी पहाड़ पर बहुत वर्षों तक निवास करते हैं, चित्रकूट में। आज उस पहाड़ की पूजा होती है, उस पहाड़ की लोग परिक्रमा करते हैं, शासन ने भी रोड बना दी है चारों ओर। लोग कोई एक परिक्रमा करता है, कोई पांच करता है, कोई सात करता है, कोई चौदह करता है, कोई 21 करता है, कोई नहीं चल पाता है तो गाड़ी में बैठकर ढकेल ढकेल के करा देते हैं, लेकिन लोग करा देते हैं। और कहते हैं उस परिक्रमा को करने से भक्ति फलित होती है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, वो परिक्रमा होती है। ऐसे ही आपने सुना होगा सदगुरु कबीर साहब काशी बनारस वाराणसी में लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे, नीरू नीमा ने उनका पालन पोषण किया था। तो कबीर का मूल स्थान काशी हो गया और कबीर का एक चबूतरा अमरकंटक में बना हुआ है, उस चबूतरा का दर्शन करने जाते हैं लोग। चबूतरा के पास में दूध की धारा बहती है, तो पानी स्रोतों से आता है, लोग कहते हैं इसमें दूध बहता है। मैं भी उसका दर्शन करने गया तो मुझे तो दूध मिला नहीं, न दूध मिला, न घी मिला, न छाछ मिला, लेकिन इंतजार किया कि दूध अगर बह रहा हो तो दो चार बाल्टी भर ले, पर मिला नहीं। पर लोग बताते थे दूध की धारा यहाँ बहती है। वहाँ हजारों लाखों लोग साल में दर्शन करते हैं और कहते हैं कि कबीर साहब इस चबूतरे पर आकर के साधना किए थे, वो चबूतरा धन्य हो गया। आज ही आंवली आश्रम है, यहाँ पर संत तपस्या कर रहे। हमारे एक भक्त कह रहे थे कि यहाँ पर आने पर घर की माया मोह के कनेक्शन कट जाते हैं, तार कट जाते हैं, मन को शांति मिलती है, इस भूमि में कुछ ऐसा तेज पैदा हो गया। क्योंकि यहाँ विभिन्न साधु संतों के चरणों की धूल, गुरुदेव जी के चरणों की धूल और गुरुदेव जी की दृष्टि भी पड़ती है, कृपा दृष्टि, तप दृष्टि,
प्रेम दृष्टि, तो ये भूमि जागृत हो रही है और इतनी जागृत हो जाएगी एक दिन ऐसा अवसर आएगा। अभी एक भक्त मारवाड़ तरफ से आए थे, वो कह रहे थे आपके पास तो बैठने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आप छत के ऊपर आप छत के ऊपर थे और मैं आपके भवन के चारों ओर 7 परिक्रमा किया हूं, तो मुझे बहुत फायदा हुआ है। गुरु की परिक्रमा भी की जाती है। सुंदरी ने नारद जी की 5 परिक्रमा किया था, आरती किया, फिर 5 बार हाथ जोड़ करके राउंड किया और आशीर्वाद मांगा। ऐसे गया एक तीर्थ बन गया है और वहां पर लोग अपने पुरखों की, पूर्वजों की अंत्येष्टि के पश्चात उनके फूल पहुंचाते हैं और प्रवाहित कर देते हैं। कुछ लोग और दूर जाते हैं तो ये गंगा सागर में छोड़ देते हैं। और ये भी गंगा सागर की महिमा बताई गई है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, बस सब तीर्थों में बार बार डुबकी लगाओ तब जितना फायदा होगा उतना फायदा गंगा सागर में एक बार डुबकी मार तो हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कहता हूं, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर 1000 बार, पर सत्संग में डुबकी मारो एक बार तो हो जाएगा तुम्हारा बेड़ा पार। ये सत्संग मुख्य तीर्थ तो सत्संग है। पंचम स्कंद पुराण के पंचम स्कंद में लिखा हुआ है कि दया भी तीर्थ है, प्रेम भी तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, शुद्धि तीर्थ है, भक्ति तीर्थ है और सत्संग सब तीर्थों का राजा महातीर्थ है। इसलिए सत्संग में डुबकी जीवित में ही लगा लीजिए। मरने के बाद अपने बच्चों को, नाती पोतों को ये बताकर मत जाइए कि हम मर जाएंगे तो मेरी हड्डियों के फूल गंगा सागर में, पुष्कर तीर्थ में छोड़ने के लिए चले जाना। तुमको जिंदा में वहां जाने के लिए कौन मना किया है, तुम जिंदा में क्यों नहीं जाते हो? तो बेटे भी कहते हैं जाओ पुष्कर तीर्थ में नहाओ, पिताजी कहते हैं हमको टाइम नहीं है, अभी दुकान पर कौन बैठेगा। अब जब मर गए तब उस लाश से पूछो आप कौन बैठेगा, तुम मर क्यों गए, जिंदा हो जाओ, बैठो दुकान पर, बेचो 50 रुपया किलो धनिया, बेचते रहो। अब मर गए, कबीर साहब ने ऐसे लोगों से बड़ी मजाक किया है। कबीर साहब बहुत मजेदार आदमी थे। कबीर साहब कहते आप कहाँ चले हो अकेले मीता, मित्र मेरे आप तुम अकेले कहाँ चले गए, उठो ना करो घरों की चिंता, उठो ना करो ना घर की चिंता फिक्र करो। पहले तुम कहते थे एक दिन के लिए घर से चला जाऊंगा तो घर सब मटिया मेट हो जाएगा, अब हमेशा के लिए तुम मर कर चले गए और घर अपनी जगह पर खड़ा है और तुम ही खत्म हो गए, अपने तो बचा नहीं सके घर बचा रहे थे। कितने लोग घर के मोह में कहीं दर्शन प्रसन्न भी नहीं जा पाते हैं, ऐसा फंस गए माया मोह में, पत्नी को बैठे बचा रहे हैं। कितनी पत्नियां तो पतियों को बचा रही हैं कि ये उल्लू आदमी को बचाओ, ना जाने कहां उल्लू गिर जा जाके, एक दूसरे को बचाने में टेंशन फंसी हुई है, अपने को खुद नहीं बचा सकते, इतने लोग कमजोर है। अरे स्वयं बचकर रहो, तुमको कोई आदमी हर समय बचाता रहे ये तो बड़ी गलत बात हो गई। मुझे खबर नहीं कि मेरे गुरु ने कभी मुझको बचाया हो या मेरे माँ बाप ने मुझको बचाया हो, हम खुद बच जाते हैं। अपने को बचाना आना चाहिए, गांव में घूमने क्यों जाते हो, वहाँ खीसे काटते क्यों, हैप्पी कट बार रखा कर गप्पी कट बनकर जा रहे हो गाँव में, आखिर राउंड मार रहे हो तो कोई ना कोई तलाश में लगे हो ना, कुछ खोज कर रहे हो, अंदर वासना भरी हुई है इसलिए वहां खीसे काटने गए हो टाइट पैंट पहनकर।
कि टाइट पहन लो तो कोई हो सकता है राइट मिल जाए। जरूरत क्या है, करोगे क्या? इस संसार को आकर्षित करोगे तो इस संसार से क्या मिलने वाला है? इसमें केवल विषय भोग मिलेगा, तुम्हारी वीर शक्ति छीण होगी, रज शक्ति छीण होगी, तुम्हारा शरीर कमजोर होगा, बुद्धि कमजोर होगी। जिन्होंने ज्यादा विषय भोग किया है उनकी खोपड़ी में भी गड्ढे हो गए और मुंह सब पिचक गया, होंठे काली कलूटी हो गई। और जिन्होंने ज्यादा विषय शक्ति में अपने आप को डुबाया है, दुनिया भर के रोग उनके शरीर में उत्पन्न हो गए, जवानी में ही बूढ़े जैसे लग रहे हैं। और इस संसार से मिलेंगे क्या? जैसे कोई लड़की लड़कों को देखकर खुश होती, खीसे काटती, अरे ये तेरी खीसे सब निकल जाएंगे, ये खीसे रुकने वाली नहीं है, खिसियानी बिल्ली हो जाओगी। और कोई लड़का है लड़कियों की तरफ भागता है जवानी आने पर, उसको माँ ऐसा लगता है कि माँ ये महाकाल बैठी है, दुश्मन है ये, बाप सबसे बड़ा दुश्मन है, ब्रेक लगाता है, हमें कूद जाने दो त्रिवेणी संगम में, पूरा भोग लगा कर आ जाऊं। इसलिए हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे, वे 13 साल की उम्र में विवाह कर देते थे, 16 साल में गौना ले आते थे और 17 साल में बच्चे हो जाते थे, 17 साल में पापा और पप्पी बन गए, मम्मी बन गई, और बस फिर काम शुरू कर दिया, चालू रहो बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। और 35 साल तक बच्चे को पढ़ा लिखा कर फाइनल हो गए, 35 साल में छुट्टी पा गए। अब तो लोग 85 साल में भी छुट्टी नहीं पाते, इतना बुढ़ापा आ गया फिर भी, क्योंकि शादी लेट में करते हैं, बहुत देर हो गई। कितने लोग तो 38 साल उम्र हो गई तब शादी कर रहे हैं, शादी का समय तो निकल गया सर, शादी का समय पका हुआ समय है, 16 साल से लेकर के 21 साल तक हो जाना चाहिए। करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, फिर झंझट खत्म करो, उधर से दिल हटा लो, चित्त हटा लो। देर क्यों कर रहे हो? बहुत देर करने से फिर अच्छी शादी का मिलना भी कठिन है, क्योंकि तुम देर कर रहे हो, सभी लोग थोड़ी देर कर रहे हैं, सब किसी न किसी के साथ कर लेंगे शादी। अब तुम ढूंढोगे कोई बचा हो तो हमारे साथ कर ले, तुम्हारे साथ कौन करे? वो भैंस बची उसके साथ कर लो, और किसके साथ करो? हाँ, टाइम पास कर दिया तुमने इंतजार में। तो विषयों को कम भोगो, विषयों का अधिक भोग करने से, वीर को खलास करने से, रज शक्ति छीण करने से तेजस्विता खत्म हो जाती है, वाणी में ओजस्वीपन खत्म हो जाता है। ये जितने फूटे गुब्बारे की तरह घूमते हैं लोग ना, ये सब छीण हुए लोग हैं, इनके अंदर वो शक्ति बची नहीं। जबकि हनुमान चालीसा समझाती है कि अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। अब ये कहते हम तीनों लोक संहारेंगे, अपना तेज बिल्कुल खलास कर देंगे, तो तुम खुद ही कांप जाओगे, तीनों लोग थोड़े कांपेंगे। अपनी वाणी को संभालिए, स्वभाव को संभालिए, ब्रह्मचर्य को संभालिए, कर्मों को संभालिए, और अपनी बुद्धि को संभालिए, इंद्रियों को संभालिए, आपका तेज संभल जाएगा, तेजस्वी बनोगे, यशस्वी बनोगे, ओजस्वी बनोगे, तपस्वी बनोगे। और कुछ है नहीं संसार में, छीण होने के बाद हर मनुष्य का मन कुछ समय के लिए निराश हो जाता है, इंद्रियां भी अशक्त हो जाती है, शरीर में भारी कमजोरी आती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए पति पत्नी का रिश्ता बनाया गया है। अन्यत्र मन को चंचल मत कीजिए, अपने आप के ऊपर नियंत्रण कीजिए, कंट्रोल में रहना सीखिए, और मरने के बाद आपकी हड्डियां आपके बच्चे तीर्थों में पहुंचाएं उससे बेहतर है। जीते जी स्वयं सत्संग के तीर्थ में जाकर के गुरु की भक्ति रूपी यमुना में, ज्ञान रूपी गंगा में, और आशीर्वाद रूपी सरस्वती में डुबकी लगाइए, अपने जीवन को धन्यवाद। अभी मैं यावली के सत्संग में देख रहा हूँ कोटा में, बहुत जागृत हो चुके हैं लोग। ये तो कोरोना ना होता तो हमको लगता 1000-2000 की भीड़ रोज होती, ऐसा है कि नहीं है? जागृत है लोग।
लोगों को समझ में आ गया कि सत्संग ही सार है, बाकी सब बेकार है। शांति कहीं नहीं है, शांति न घर में है, न परिवार में है, न पोता पोती में है, न धन दौलत में है, न मकान में है, न दुकान में है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी, कहीं शांति नहीं है। बहू में भी शांति नहीं, BIG में भी शांति नहीं है, और ना तो सास ससुर में शांति है, शांति नहीं। कहाँ है शांति? सत्संग से समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, गुण मिलते हैं, सद्गुण मिलते हैं, सदाचार मिलता है, जीने की कला मिलती है, गम खाने की शक्ति पैदा होती है। तो सत्संग के प्रभाव से ही हमारी तुम्हारी आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है सत्संग। और शांति कहीं नहीं पाओगे, शांति ऐसी चीज है भी नहीं जो दुकान पर मिल जाए। और कितने लोग तो अपने घर में ही ज्यादा अशांत है। क्यों अशांत है? पत्नी से अशांत है। अभी हमारे पास में जयपुर से एक सज्जन आए थे, उनकी पत्नी बोल रही थी मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो हमने कहा जब तक जीने का रास्ता था तब तक मेरे पास नहीं आए, और मरने के अलावा रास्ता नहीं बचा तो मेरे पास आए हो, तो जो रास्ता जब एक ही बचा है तो उस पर चले जाना चाहिए, मेरे पास क्यों आए हो? बोले हो सकता कोई दूसरा रास्ता तुम बना सको, मरना चाहता नहीं, रास्ता वही एक बचा है और तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि हो सकता कृपा हो जाए कोई नया रास्ता आप खोल दो। तो मैंने कहा कि आपका जो पति बैठा है बुद्धिमान है और मेहनती है, लेकिन ये मनमानी करता है और ये जल्दबाजी करता है। तो उसकी पत्नी ने कहा बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, हमने कहा इस वजह से बहुत नुकसान हुआ है, और तुम्हारे में बात यह है तुम चिड़चिड़ाती बहुत हो, क्रोध बहुत करती हो, गुस्सा बहुत करती हो, तुम अपने पति के ऊपर टूट पड़ती हो रोज। तो पति का भी मनोबल धीरे धीरे टूट गया है। तो उसका पति हंसा बोला बिल्कुल सही परखा आपने, मैंने कहा यही करता ही है। उसकी पत्नी बोली कि उसदेव वास्तव में मेरे में कमी है, मुझे गुस्सा इतनी आती है कि पति जी को ना जाने क्या क्या बोल देती हूँ। आपके घर में जब समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हों, तकलीफें उत्पन्न हो रही हों, एक के बाद दूसरी बात तीसरी चौथी, आपके घर में नुकसान पर नुकसान होता जा रहा हो, तो याद रखना पत्नी को चाहिए कि अब अपने पति से बहुत प्रेम से बोले, वही रास्ता एक है। पति को चाहिए कि अब अपनी जल्दबाजी, आवेश, जोश, खरोश, गुस्सा और मनमानी करना छोड़ दे। पति पत्नी बैठ करके दोस्त की तरह सलाह कर लें, बाप बेटे सलाह कर लें, मामा भांजे सलाह कर लें। भांजे कितने भांजे तो ऐसे भुर्जी हैं पूरे, जैसे भुर्जी चना और धान का चावल भूंजता है, ऐसे कितने भांजों ने अपने मामा को भूंज डाला, कितने बेटों ने अपने माँ को भूंज डाला, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इतनी मूर्खता भरी हुई है, शराब पीना, काम न करना, उल्टा पलटा काम करना, माँ को गाली देना, जिस माँ से पैदा हुई उसी माँ को मदर फादर की गाली देते हैं, और अपने मामा को भी गाली देना, नाना को गाली देना, भाई को गाली देना, पत्नी को गाली देना, ये गालियाँ तुम्हारे संस्कार बिगड़ रहे हैं, और ये गालियों से तुम्हारा पुण्य छीण हो रहा है, इन गालियों से तुम्हारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वाणी जब बिगड़ेगी तो याद रखना तुम्हारा लाभ हानि में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अगर हानि हो रही है और वाणी आपकी संभल गई तो समझ लेना लाभ शुरू हो जाएगा, शुभ लाभ होने लग जाएगा, वाणी शुभ हो जाएगा। आलसी लोगों के घरों में झगड़े बहुत होते हैं, काम चोरों के यहाँ झगड़े बहुत होते हैं। जो लोग चाहते हैं हमको काम ना करना पड़े, हमें मेहनत ना करना पड़े, उनके घर में विवाद बहुत होते हैं। जो काम को दौड़ दौड़ कर करते हैं, लपक के करते हैं, झपट के करते हैं, हंस कर करते हैं, खिलखिला कर करते हैं, एकदम जुट जाते हैं, उनके घर में विवाद 99% खत्म हो जाएंगे। कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तुम चले जाओ, इन बच्चों को भगा दो यहाँ से, तुरंत रोज भगा दिया,
ये फालतू यहाँ आते हैं, बता देना अब आना मत कभी, जब बड़े हो जाना तब आना। हाँ डिस्टर्ब करते ना वहाँ बातें करते, अनुशासन रखना चाहिए आदमी। नर हो न निराश करो मन को, निराशा नुकसान का द्वार खोलती है, आशा उत्थान की सीढ़ियों पर चढ़ना सिखाती है। सास ससुर से भी प्रेम से बोल दो, अपनी बहुओं से प्रेम से बोलो, बहुओं का ख्याल भी रखो। बहू बनने का अर्थ ये नहीं है कि ये बहू तुम्हारा ही ख्याल करे, उसका ख्याल करो, अपने शिष्यों का भी ख्याल करो। कोई शिष्य बन गया अब सोचो ये माटी का धंधा हो गया, बेवकूफ आदमी है, बेवकूफ नहीं है, उसका ख्याल रखो। गुरु का भी धर्म है अपने शिष्यों का ख्याल रखना, उनको खिलाना पिलाना सुलाना, उनके चलने के लिए गाड़ी का प्रबंध करना। अब गुरु तो गाड़ी में बैठ लिया और चेला पता चला कि पैदल रगड़ी मार रहा है, वो छूट गया कोटा में और गुरु पहुंच गए लंगोटा में। शिष्य की भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, वो बेचारा छोटा भोला भाला सलोना कहाँ जाएगा, अकेला कहाँ भटकेगा, दुखी हो जाएगा मन उसका। एक शिष्य मेरे पास था, मैंने उससे कहा तुम बस में आ जाना, तो बैठ के रोने लगा। हमने कहा क्यों रोते हो, बोले कभी बस में बैठा ही नहीं हूं। तो हमने कहा तो इसमें जगह नहीं, बोले इसी में कहीं बिठा लो। अब 7 सीट की गाड़ी, उसमें 11 को बिठाया मैंने। मैंने कहा मेरे पाँव के नीचे बैठ, कहाँ बैठेगा, मैं पाँव ऊपर उठाए रहता हूँ, 500 किलोमीटर पाँव ऊपर उठाए उठाए मैं गया बहुत तरह से। तो नीचे बैठा था, हमने कहा उल्टा हो जा, तेरी पीठ पर पाँव रख दूँ मैं भी जकड़ के। बोले पीठ पर रखो चाहे गुरुदेव पीठ पर रखो, लेकिन इसी में बिठा लो। शिष्य की व्यवस्था भी बनाना पड़ेगा, शिष्य को खाने पीने का ध्यान देना पड़ेगा, कुछ उनको खिला दो, आप खाओ ना खाओ, गुरु व्रत रहे उसकी इच्छा, लेकिन गुरु का ध्यान शिष्य सब देते हैं कि गुरु को भी खिलाना है। शिष्य ये जो भक्त शिष्य बैठे हैं, गृहस्थ शिष्य बैठे हैं, ये भी गुरु के लिए कोई केला ले आता है, लाते हो कि नहीं लाते, कोई सेव फल लाता है, कोई जाम फल लाता है, कोई फूल माला लाता है, और कोई मीठा ले आता है, कोई खट्टा ले आता है, कोई दूध लाता है, कोई घी लाता है, कोई कपड़ा लाता है, कोई इनर लाता है, और कोई चरण पादुका लाता है, और क्या लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, सब कुछ ले आते हैं, सब अलग अलग सोच सोच के ले आते हैं कि गुरु जी के लिए ले चलना है। तो भक्तों का भी ख्याल रखो, अपने भक्त जो आए हैं उनको भी प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, थोड़ा सेव कटिंग करके खिला दो, थोड़ा केला दे दो, एक एक खा लेंगे 2 घंटे ताकत बनी रहेगी। भाई गुरुदेव के भाव में आए हैं, सोच रहे हैं अरे इधर खाने पीने के चक्कर में पड़ोगे तो लेट हो जाएगा, प्रवचन छूट जाएगा, तो गुरुदेव का धर्म है थोड़ा थोड़ा खिला दिया, चलो हो गया काम। गुरुदेव को भूख हो तो भी खा ले साथ में, एक केला ले लो क्या हर्ज है, नहीं भूख है तो बांट दो, जो बचे वो रख दो, और बात को जो चेला और बचे हैं साधु चेला पगड़ीधारी इनको खिला दो। ये सब देखो कितना प्रेम से बैठे हैं, छोटे छोटे छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, हमारे पास बहुत छोटे छोटे चेला है, ये है बहुत छोटा है, ये जब छोटा था इसको एक दिन भोजन किसी ने कहा कि तुम देर को आए भोजन शाम को मिलेगा, तो मेरे पास आकर रोने लगा। हमने कहा रो मत, एक दिन ऐसा आने वाला है तू ही मालिक हो जाएगा, आज वो मालिक हो गया, कोठारी बन गया, अब जिसको जरूरत है तो उससे मांगते लोग चम्मच भर तेल दे दो घी दे दो। वो बहुत खुश है कि ये बढ़िया है, और सोच रहा है ऐसा मालिक बनूं गुरु जी भी हमसे मांगे तो ठीक है। ऐसा हो भी सकता है भाई, मांगना पड़ जाए हमको भी। हाँ, हमको मांगने में बहुत मजा आता है, हम मांग लेते हैं, हमसे बड़ा मांगता कोई नहीं, और मांगने की कला हमारे पास बहुत है, ऐसे ढंग से मांगता हूँ सब मिल जाता है, बड़ी दूर से निशाना लगाता हूँ मांगने के लिए,
देख लेता हूँ क्या मिल सकता है। और ऐसे तो मांगना पड़ा नहीं आज तक, पर मैं चाहता हूँ कभी मांगना पड़े तो मांग लो। पर मांगने से पहले ही हमारे सत्संगी भाई बहन सब हमको दे देते हैं कि तुम क्या मांगोगे गुरुदेव, सारी दुनिया तो आपसे आशीर्वाद मांग रही है, आप तो दाता हो, आप मांगने की जरूरत नहीं। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान। गाइए। गुरु समान दाता नहीं, रमेश बोलो, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। उपकारिणी में उपकार गुरु, दानिनी में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु समय अन्य दान। रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु समय अन्य दान। रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु समय अन्य दान। गुरु समय अन्य नयान, गुरु समय अन्य नयान। गुरु समान दाता नहीं। दुनिया में बहुत दाता होते हैं, लेकिन गुरु एक ऐसा दाता है जो ज्ञान का दाता है। तू ज्ञान का दाता है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू ज्ञान का दाता है, तू ज्ञान का दाता है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लोटा जो दिया तूने, लोटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। लोटा जो दिया तूने, लोटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लोटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। लोटा जो दिया तूने, वाक्य प्रदान सर्वे दुष्यंत जन्तवा तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। वाणी की विशेषता चार, वाणी के गुण होते हैं। नंबर एक सत्य, हित, मित और मृदु। वाणी में यदि सच्चाई है तो तुम पे विश्वास बढ़ेगा लोगों का। वाणी यदि मित है, मित मतलब कम से कम शब्दों में आप बात करते हैं, और लंबा चौड़ा
राम गाना नहीं छोड़ते तो आपकी बात को लोग ध्यान से सुनेंगे और दिन रात बात करते रहोगे तो लोग समझ जाएंगे कि इसकी आदत ही है, बोलता रहता टेप रिकॉर्डर की तरह, कोई सुनेगा नहीं। इसलिए जो स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं वो अपने पति से दिन भर बोलती नहीं, तो शाम को जब पति आता है बेडरूम में तो पति ये आस रखता है कोयल की तरह थोड़ा बोलते सुन लो इसकी बात, सुनना चाहते। और जो स्त्रियां सुबह से लेकर शाम तक उनका म्यूजिक बज रहा है, संगीत चालू है, तबला धन धन धन, बस पति सोचता है घर से बच के निकल जाऊं, नहीं ये आल्हा कहाँ तक सुनूंगा। इसलिए मित बोलो, मित मित माने कम बोलना। ये वाणी का श्रृंगार है, ये चार चीजें वाणी के श्रृंगार है, खड़बड़ मत करना, मित बोलना। और तीसरी चीज वाणी का श्रृंगार है हित, हित हित कहते हैं हितैषी बात बोलना, कल्याण की बात बोलना, सफलता की बात बोलना, सेवा की बात बोलना, ज्ञान की बात बोलना, जिससे हमारा हित हो। ऐसी बात यदि कोई बोलता है तो हम उससे प्रेम करते हैं कि हमारे हित की बात बता दिया, हित की बात बताओ, हित चिंतक बनो सभी के, हित चिंतक सबके बनो जौनी दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्ष्या को। सबके हित चिंतक बनिया, हित ऐसी बात बोलिए जिसमें सबको फायदा है, अच्छी सलाह दे दीजिए। और ये तभी दे सकते हो जब तुम्हारा हृदय प्रेम का प्याला होगा। अगर आपके हृदय में राग द्वेष का जहर भरा है, ईर्ष्या का पॉइजन भरा है, तुम लोगों को गलत सलाह दोगे। मैं छत्तीसगढ़ जब पहली बार गया सन 1998 में, तो वातावरण है और आपको साधना में वहाँ सुविधा रहेगी, वहाँ बना लो। हमने कहा ठीक है। शाम को भगत आया मेरे पास जागेश्वर कौटिया, बोला आपने उसकी सलाह सुना और मान भी लिया और हाँ भी कर दिया और आपने धन्यवाद भी दिया। वो साधु ने आपको बताया चारामा तरफ बना लो आश्रम, कांकेर चारामा। तुमने कहा ठीक तो सलाह दिया, बड़ी जमीन मिल जाएगी और वहाँ आश्रम शांति से। बोले उधर नक्सलाइट रहता है, ये तुमको मरवा डालना चाहता है। तो मैंने कहा ये हमको क्यों मरवा डालना चाहता है। बोले तुम इतने प्रखर संत हो, पूरे छत्तीसगढ़ में तुम छा जाओगे एक दिन, तुम्हारा ही सितारा चमकने वाला है, तो मैं लेकर आया हूँ, यहाँ मार डाले जाओगे तुम, उधर तो जाना मत। तुमने कहा नक्सलाइट है उधर? अरे बोले 20,000 लोग मार डाले गए, साधुओं को भी मार डालते हैं नक्सलाइट। हमने कहा तो उधर क्यों बता दिया इसने? बोली इसने ये बताया कि उधर आश्रम बनाए वो मार डाला जाए, छुट्टी मिल जाए। अब देखिए इतना उसके अंदर ईर्ष्या का जहर भरा हुआ, क्योंकि उसने मुझको देखा, देखते ही उसको लगा कि ये संत तो यहां पूरा प्रदेश में फैल जाएगा एक ही राउंड में, तो उसको लगा कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और हम किसी की दुकान बंद करते नहीं, हम तो अपनी दुकान भी साइड में कर लेते हैं, हमारी दुकान हम रखते ही नहीं, हम तो साल में एक दो बार आते हैं, बाकी कोई वहाँ दुकान चलावे, पकवान चलावे, मकान बनावे, हमसे क्या मतलब। हम किसी साधु का नुकसान नहीं करते ना उसको हम डिस्टर्ब करते, हम तो बस उसको भी दे देते हैं, सहयोग दे देते हैं। अगर वो हमसे प्रेम रखता है तो सहयोग दे देते हैं कि आप लीजिए थोड़ा सा बनाइए, आप भी करिए। क्योंकि संसार इतना बड़ा है, अगर कोटा शहर में हमारे जैसे 50 संत रोज प्रवचन करे फिर भी कोटा शहर सुधरेगा नहीं, पूरा नहीं सुधरेगा, सुधर जाएगा, 50 लोग कम है। और फिर इसमें हम एक बांसुरी बजा रहे हैं,
तुड़ो धूं तो इसमें क्या होने वाला। तो इतने संतों की आवश्यकता है। आखिर जयपुर में मेरा जैसा संत मिल जाता वो जयपुर से भक्त इधर क्यों आता, नालंदा बिहार से क्यों आता, उसको आने की जरूरत नहीं, उधर ही हमारी क्वालिटी का माल मिल जाता, बात खत्म थी। लेकिन उसको लगा चलना वहीं पड़ेगा, बस उसी के चरणों में चलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कोरोना में बर्बाद तो हो ही गए, इस कोरोना में भी बहुत लोग बर्बाद हो गए। सारा बिजनेस ठप है, कारोबार ठप है, प्रॉपर्टी डीलिंग भी ठप है, सब काम बंद हो गए। किसी तरह से लोग खींच कर जीवन जी रहे। लेकिन मैं कहूंगा ऐसी परिस्थिति किसी को आकलन नहीं थी कभी आ सकती है। ये वैश्विक बीमारी है, ये वैश्विक समस्या है, ये विश्व का प्रॉब्लम है, ये केवल आपके ऊपर नहीं, ये सबके ऊपर है। और सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे। मैंने भैरूलाल जी से पूछा आपके पास दुकान है, बोले है। तो हमने कहा कुछ बिकता भी है, तो बोले हाँ थोड़ा थोड़ा बिकता है। तो हमने कहा इस इलाके में तो आप ही की दुकान केवल है। अरे बोले नहीं गुरुदेव, और 4-6-10 लोगों की दुकान है। तो हमने कहा उनका कैसा बिकता है, बोले ऐसे ही बिकता है, दिन भर में 100-200 का बिक जाए वही बहुत है। अब कौन, कोरोना में हर आदमी कटौती कर रहा है। जिसको दाल खानी है 1 किलो रोज, वो कहता है भाई 700 ग्राम बना लो, काम चला लो। महिलाएं 1 मुट्ठी दाल कम डालती है, दाल में भात का पानी डाल देती है कि गाढ़ी हो जाए, और उसमें छौंक लगा देती है। पति खाता है, बोलता टेस्ट पहले जैसा नहीं है, बोले पानी में बदलाव आया और क्या है। कुछ समझाना तो पड़ेगा ना, वो बता दे इसमें भात का पानी डाल दिया तो नाराज हो जाएगा। अब उसको घर चलाना है, फिक्र है, चिंता है कि पैसे नहीं है, क्या करें। अब जिस समय आय की स्रोत कम हो जाए, हमेशा कम खर्च में काम चलाइए, भोजन में भी थोड़ी कटौती कर लीजिए, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं। मैंने अपने संतों से कहा है तुम घबराओ मत, भोजन में अपनी कटौती कर लेंगे थोड़ी सी। बोले क्या कटौती होगी गुरुदेव। हमने कहा जितनी हो सके कर दो, लेकिन वो कटौती वटौती हुई नहीं और बढ़ौती हो गई। क्योंकि अब उसी में भक्तगण भी आते हैं, जब मेहमान आते हैं तो कटौती नहीं हो पाती, क्योंकि फिर मान मर्यादा का सवाल खड़ा हो जाता। अपन घर ही के लोग हो तो चाहे जो खाओ रूख सुखा, लेकिन दामाद देवता बैठे, अब पकौड़ी बनेंगी जरूर। थोड़ा कपड़े भी संभाल कर पहन लीजिए, पुराने कपड़ों को ही धो करके प्रयोग कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि होली में नए कपड़े हो, कौन किसके कपड़े देखता है, सब अपने अपने लफड़े में फंसेंगे तुम्हारे कपड़े देखेंगे, तुम खाम खाम उलझन में पड़ रहे हो। कितने लोग तो खुद कपड़े पहनते हैं और खुद ही देखते रहते हैं, और फिर दूसरे को तब देखते हैं कि हमारी तरफ कोई देखता नहीं देखता, और दूसरे लोग भी अपने कपड़े देख रहे हैं। हर महिला अपनी साड़ी देखती है, आगे झुक के देख लेती है, फिर पीछे मुड़ के देख लेती है, वो देखती कोई और महिला मुझे देख रही कि नहीं देख रही। अब दूसरी महिला को भी फुर्सत कहाँ, वो अपनी साड़ी देख रही कि तुम्हारी साड़ी देख रही। मैं तो ये सब जलवा देखता रहता हूँ, मैं सब नाटक देखता रहता हूँ लोगों का, कि बहुत लोग परेशान हो गए, थक गए, कोई देखने वाला नहीं। अब मैं साधु हूँ नहीं तो मैं देख लेता था। साधु को देखना ही नहीं चाहिए, न किसी महिला को देखना चाहिए घूर कर, और न किसी पुरुष को देखना चाहिए, और किसी के चेहरे को निहार कर देखने नहीं चाहिए। इस साधु जीवन में संन्यास में नियम है, टकटकी लगा करके किसी माता बहन को देखना मना है, और किसी लड़की के पास में बैठना मना है, और छूना मना है अपने हाथ से, और साथ में अकेले किसी माता बहन को मिलना मना है। अब मना तो सब है, अब माने कोई तब तो, लिए घूम रहे राम डोल साधु बाबा तो हम क्या करें। हाँ कितना साधु ऐसा नालायक है, ना जाने कहां से ढूंढ के लाता है अंबिका देवी को। हाँ बोलता ये अंबिका है, हमने कहा तुम कौन, बोले हम लंबोदर है।
अरे पागल कहीं के, ये सब क्या कर रहा। संत जीवन का रूल मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि ताकि आपको भी मालूम होना चाहिए साधु का नियम क्या होता है। है नारी निरख न देखिए, बाबा इधर देखो, नारी निरख न देखिए और निरख न कीजिए गौर, गौर से भी मत देखो निरख कर भी मत, और निरखत ही ते बीस चढ़े मन आवे कुछ और, तो देखना नहीं चाहिए। अब कौन किसकी साड़ी देखे, कौन किसकी पैंट देखे। अब लोग ऐसी ऐसी जींस की पैंट टाइट पहन कर आते हैं और सिर्फ इसलिए पहनते टाइट कि लोग देख लेंगे हमको, थोड़ा क्यों देख लेंगे तुमको, देखने कुछ पैसे दे रहे हो क्या, लगाओ टिकट 20 रुपये दूंगा जो देखेगा सब देख लेंगे, पॉकेट हम कौन देखेगा। लोगों को अपनी पत्नी देखने का टाइम नहीं, बच्चों को देखने का टाइम नहीं, घर बार देखने का टाइम नहीं, अपने घर के फर्नीचर देखने का टाइम नहीं, खिड़की पर्दे देखने का टाइम नहीं, बाप को देखने का टाइम नहीं, तेरे को कौन देखेगा, फालतू खाम खाम फोकट में देखेगा कोई, ला रुपया देखूं मैं तेरा, कौन देखेगा। खाम खाम लोग इसमें उलझे हुए हैं फालतू। हाँ सादा जीवन, सादा भोजन, सादा लाइफ हमारा होना चाहिए। पीस ऑफ लाइफ, द पीस ऑफ माइंड, द पीस ऑफ लाइफ, जीवन की शांति, मन की शांति का पथ कौन सा है, वो सत्संग ही एक रास्ता है जो जीवन को शांति की ओर ले जाता है। वही रास्ता आवलिया आश्रम में बताया जाता है, वही रास्ता। हमको लोग देखें इसकी भी शौक खत्म कर दीजिए, बहुत दुनिया देख लिया, दुनिया ने हमको देख लिया, आखिर यहाँ खोया हूँ, पाया तो कुछ नहीं हूँ। आए थे बचपन में हंसते थे, जवानी में टेंशन करते रहे, बुढ़ापे में दुखी होकर मर गए, क्या पाया संसार में, सुख पाया तो गुरु के चरणों में। सुख पाया रहे मतेरी, सुख पाया नालंदा, सुख पाया मोहन, कल मोहन कह रहे थे बहुत शांति मिली सत्संग से, सुख मिला परशुराम, ये हमारा परम भक्त ये कह रहे थे, आपको भी पता नहीं कि आपसे हमको क्या क्या मिला, बहुत कुछ मिला, सब कुछ मिला, बहुत कुछ हमने सीख लिया, समझ लिया, आपसे सब प्राप्त किया, इसलिए जीवन भर अखंड भक्ति करूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन और आपका प्रवचन चाहिए। ये परशुराम खड़े हो जाओ, उन्होंने हंसते हंसते बताया कि इतना अंदर क्रोध भरा हुआ था गुरुदेव, दे दनादन मारपीट कर देता था, तुरंत मारा मारी, आपने ऐसा ठंडा कर दिया आइसक्रीम, अब गम खा लेता हूं, मन को मार कर निकल जाता हूं, आपने शीतल बना दिया इस ज्वालामुखी को, क्या नहीं मिला आपसे हमको, घर में भी शांति, उन्नति भी सब हो रही है, दोनों बेटियों को सर्विस मिल गई, बेटे को मिलने वाली, अब फ्री हो रहे हैं आपके चरणों में, बस शांति। वास्तव में अगर श्रद्धा से गुरु के चरण तुमने पकड़ा है और ध्यान से सत्संग सुना है और तन मन धन उनकी सेवा के लिए दरवाजा खोल दिया है, तो गुरु की कृपा से आपको वो मिलेगा जो विश्व के अंदर कहीं मिलने वाला नहीं। बाबा अर्जुन देव के शिष्य गा रहे हैं, सुख पाया रहे मैं तेरी, सुख पाया रहे मैं तेरी, सुख पाया नानक की अरे दास सुनाया, नानक की अरे दास सुनाया, रहम तेरी सुख पाया।
सुख पाया। कौन है अपना कौन पराया, अनजान लड़की उसको तुम अपनी पत्नी मानते हो, अनजान लड़का उसको तुम अपना पति बनाते हो। कौन अपना है कौन पराया, जिसको अपना मानो अपना है, पराया मानो पराया है। नूर समाया सब में वही है, अनजान गुरु तुम्हारा स्वामी बन जाता है, अनजान भक्त आपका शिष्य बन जाता है। सुख पाया सुख पाया सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया। गुरु चरणों में दास है आया, गुरु चरणों में दास है आया, दो फूल चढ़ाने शरण में आया, दो फूल चढ़ाने शरण, तेरी सुखी गणेश भाव से गाओ, रहे मैं तेरी सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया, सुख पाया सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया। हे गुरुदेव, आपके चरणों में संसार में सुविधा मिली, सामान मिला, रिश्ते मिले, परिवार मिला, घर मिला, गाड़ी मिली, लेकिन सुख आपकी वाणी में मिला है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, बार बार सत्संग सुनना, मोबाइल की यूट्यूब में सुनना, कोई धन के पीछे पागल है, कोई सम्मान के लिए पागल है, कोई शराब के लिए पागल है, कोई परिवार के लिए पागल है, कोई भोगों के लिए पागल है, तो कोई मित्रों के पीछे पागल है, कोई राजनीति में पागल है, तो कोई पूजा पाठ में पागल है। तुम अगर पागल बनना तो सत्संग के लिए पागल बनना, गुरु भक्ति में पागल हो जाना। भक्ति में जो पागल हो जाता है उसका सारा पागलपन मिट जाता है। मीरा कहती है कि लोग मुझको पागल कहते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने बहुत बड़ी बात कही है कि मेरी भक्ति मेरी तपस्या साधना सत्संग के प्रति रुचि को देख करके दुनिया के लोग कहते हैं पागल है, तो मैं उनसे क्या जवाब देता हूँ। लोग कहते हैं इसका दिमाग बिगड़ गया है, तो मैं उनको उत्तर देता हूँ, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो,
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे गुरु मन साहिब जय जय हो। हे गुरु मन साहिब जय जय हो। हे विशाल तुम्हारी जय जय हो। हे विशाल तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी जय जय हो। जोर से गाइए, भाव से गाइए, लगन से गाइए जय जय हो। हे चेतन साहेब जय जय हो। हे चेतन साहेब जय जय हो। हे राम स्वरूप तुम्हारी जय जय हो। हे राम कानपुर के राम स्वरूप साहेब, डोंगरपुर के चेतन साहब। हे प्रेम तुम्हारी जय जय हो। हे प्रेम बाराबंकी के प्रेम साहब जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। क्षमा देव महाराज की जय। जीवन स्ट्रगल इज ए लाइफ कहा गया है, अर्थात जीवन एक संघर्ष भी है और जीवन में कभी कभी संघर्ष आता है, जैसे इस कोरोना काल में संघर्ष आया है। जो संघर्ष में टिक जाते हैं वे लौह पुरुष होते हैं और संघर्ष में जो मिट जाते हैं वे मिट्टी के कच्चे घड़े होते हैं। आप ऐसे देश की संतान हैं जहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अवतार हुआ था। करमसद गांव में गुजरात प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को अखंड करने के लिए भारतीय राजनीति को सुंदर रूप प्रदान करने के लिए अवतार लिया था। लौह पुरुष का अंश आप में भी है। ऐसे कष्टों में टूटना नहीं है, टिके रहना है, घबराना नहीं है, हंसते रहना है। हंसने से तनाव और टेंशन कम हो जाती है, प्रसन्न रहने से संघर्ष भी शांत होने लगता है, चिंता करने से समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं, अनावश्यक सोचने से सिर दर्द होने लग जाता है, गहरी नींद सोने से बहुत आराम मिलती है, चबा चबा कर खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है, साहेब बंदगी बोलने से मन की गंदगी साफ हो जाती है। कबीर साहेब ने काशी में अवतार लिया था। ये सब अवतारी पुरुष हैं जो हमें आपको तारने के लिए आए थे, सदगुरु कबीर साहेब। आज उनका ज्ञान पूरे विश्व में गूंज रहा है। ऐसे कबीर जो भगवान रूप हैं, महान हैं,
उनके चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनको साहिब बंदगी बोलते हैं, साहिब बंदगी। पूज्य श्री क्षमादेव भगवान के रूप हैं जिन्होंने हमारे भाग्य को जगाया है, जिनकी कृपा से सोया हुआ भाग्य उदय हो गया है। ऐसे क्षमादेव भगवान हजार गलतियों को क्षमा करके शिष्यों के ऊपर कृपा करते हैं। तपोभूमि कबीर धाम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पर विराजमान है, सब भक्तों के लिए आशीर्वाद देते रहते हैं। करुणा की मूर्ति है, दया के सागर हैं, प्रेम के स्वरूप हैं और ज्ञान के सरिता हैं और भक्ति के सरोवर हैं, ऐसे क्षमादेव महाराज हैं। उन्हीं का आशीर्वाद मैं सभी को बांट रहा हूं, मैं उनका शिष्य हूं, हमारे पास में और कुछ नहीं है। जब कोई भक्त मुझसे आशीर्वाद मांगता है तो उस भक्त को पता नहीं है, मैं मन ही मन उनका नाम लेता हूं कि श्री क्षमादेव भगवान इस भक्त का ये काम कर देना, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं कि करूं, पर आप अगर कृपा करेंगे तो हो जाएगा। बहुत से भक्तों का काम होता है, इसलिए गुरु का स्थान राम भगवान ने कहा है, गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। शिव जी ने कहा है गुरु भगवान का ही रूप होता है। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम खट गुणे ऐश्वर्य तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जिनके पास ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, यश है, मृदु वाणी है, वह भगवत रूप गुरुदेव होते हैं। उन गुरु में भगवान का दर्शन हो सकता है, ऐसे गुरु होते हैं।